नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद सांसदों और विधायकों के लिए विशेष सत्र अदालत ने एएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को निर्मल और निजामाबाद जिले से संबंधित दो अभद्र भाषा के मामलों में बरी कर दिया। यूपी एक्शन में सीएम योगी, कहा सभी विभागों को 100 दिन बाद जनता को देना होगा काम का ब्यौरा। जेएनयू कुलपति ने कहा विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दूंगी। कर्नाटक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में मंत्री के एस ईश्वरप्पा की कथित संलिप्तता को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेंगलुरु में सीएम के आवास के बाहर काले झंडे दिखाए और विरोध प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का मानना है कि जब तक किसी देश को अपने इतिहास, अपनी जड़ों और अपनी ताकत का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा। मुंबई बुधवार को मीडिया से बात करते हुए राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कहा राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनसे द्वारा राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी पर महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। राजस्थान बुधवार के दिन भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर कहा जहां हम अभी हैं वहां धारा 144 लागू नहीं है। करौली जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। यह तानाशाही सरकार हमारे अधिकारों को छीन रही है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं यहाँ 144 लागू नहीं है, उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार। दिल्ली सीयूईटी के अंक को 85% महत्व देगा स्टीफेंस कॉलेज। विद्यार्थियों को कॉलेज दाखिला पोर्टल पर भी करना होगा पंजीकरण। गर्मी से बड़ी मांग, यूपी पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी। बिजली संकट गहराने की आशंका। महाराष्ट्र के जंगल में बंगाल मॉनिटर छिपकली के साथ 4 लोगों ने किया कुकृत्य, आरोपी गिरफ्तार।